सुशांत सिंह राजपूत की मौत तो बाद बॉलीवुड के एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है तो यह बहस है नैपोटिज्म ते ग्रुपिज्म नू लेके। क्या जा रहा है कि बॉलीवुड के बहुत ज़्यादा नैपोटिज्म हुंदा है जिस दे कारण आउटसाइडर्स नू नवीं फिल्मों के मौका नहीं दिता जाता। इस अलावा बॉलीवुड के ग्रुपिज्म भी काफ़ी हावी है जो कि बंदा किसी खास एक्टर के या किसी खास प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ग्रुप का नहीं हुंदा उसनू बॉलीवुड के सौखा काम नहीं मिलता। हुण यही इल्जाम पंजाबी इंडस्ट्री तो भी सामने आ रहे हैं। पंजाबी फिल्म डाकुआ का मुंडा बाज 15 लाख कदों आऊगा तो बाई जी तुम घेंटो फिल्मों के काम कर चुकी एक्ट्रेस पूजा वर्मा हूँ सामने आई है। उन्होंने कहा कि बहुत ही टैलेंटेड लोगों के लिए पंजाबी इंडस्ट्री के जो अड़िका बन रहा है वह है ग्रुपिज्म। पूजा वर्मा ने हाल ही जी टाइम्स के नाल गलबात की। उन्होंने कहा कि पंजाबी इंडस्ट्री के 100% देने तो बाद भी तुम्हें एहसास हो जाता है कि तुम्हें पंजाबी के चंगी फिल्म नहीं मिलेगी क्योंकि तुसी पहला तो उत्थे बने हुए ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, तुसी नवे एक्टर हो, इस करके बहुत घट चांस है कि तुहानू बहुत वधिया मूवी मिले। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली दे विच रहनी हाँ ते मुंबई दे विच भी मैं अपने टीवी सीरियल नामकरण दे विच काम करती हाँ जिस कारण मैंने बहुत बार पंजाबी प्रोड्यूसरां नू सिर्फ एक फिल्म फाइनल करने के लिए 3 से 4 बार मुंबई या दिल्ली तो पंजाब आना पैंदा है। वो लोग इतने बहुत ज़्यादा मीटिंगां करते हैं, एग्रीमेंट हुंदा है, उस तो बाद डेट्स फाइनल कीतियां जांदियां ने ते उस तो बाद प्रोड्यूसर मैंने कई बार कॉल करके कहते हैं कि तुहाडी जगह असीं किसी होर नूं रिप्लेस कर लिया। इस तो अलावा उन्होंने यह इल्जाम भी लगाया कि एक बार एक प्रोड्यूसर ने उन्होंने यह दसन की खेचल भी नहीं की कि उन्होंने मूवी के रिप्लेस किया जा चुका है। पूजा ने भी कहा कि पंजाबी प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा उन्होंने कुड़ियों के नाल ही काम करना चाहते हैं जो कि पहला पंजाबी फिल्मों के अपना नाम बना चुकिया ने। नवीं कुड़ियों को पंजाबी फिल्मों के बहुत घट मौका दिता जाता है क्योंकि साडा इंडस्ट्री के कोई गॉडफादर नहीं है। यह मतलब यह नहीं कि सानू इस तरह अगे वधना चाहिए। इस तो अलावा पूजा ने भी दोष लगाया कि पंजाबी फिल्मों के बहुत घट पेमेंट की जाती है खासकर एक्ट्रेसिस। उन्होंने कहा कि मैं मानती हाँ कि पंजाबी इंडस्ट्री अजे ग्रोथ कर रही है पर जो भी पे कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा घट है। उन्होंने भी कहा कि पंजाबी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अनप्रोफेसनल है। दो पंजाबी प्रोड्यूसर ने मेरे रोल सिर्फ इस करके कैंसल कर दते क्योंकि मैं उन्होंने कहा कि तुम डिटेल्स के लिए मेरे मैनेजर ने गल कर लो, मैं शूट में बिजी हाँ। उन्होंने अगे ईगो जवाब दिता कि साडे कोल मैनेजर ने गल करन दा समां नहीं हुंदा, असीं जां तां सिद्धा एक्टर नाल गल करदे हाँ जां किसी होर नूं मूवी दे विच लै लैंदे हाँ। सो बॉलीवुड तो बाद हुण बॉलीवुड दे विच भी ग्रुपिज्म सामने आ रहा है। इस दे बारे तुहाडी की राय है सानूं कमेंट सैक्शन दे विच अपनी राय जरूर भेजियो। फिलहाल दे लई इस वीडियो दे विच इन्ना ही, होर वड्डियां जानकारियां दे लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो।